राम सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा सब शुभ नामे जागे सब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय मिट्टी पर सवाल में ब्रिटिश आयरन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022-23 का जो है शुभारंभ होने जा रहा है। हमारे बीच हमारे दीपों का जो चीफ गेस्ट श्री संजय कुमार सिंह सर जिला परिषद अध्यक्ष स्वतंत्र दमन का मैं इस हमारे ग्राम पंचायत कन्यापुर में इस मल्टीपल सवाल में उनका पूरे दिल से उनका स्वागत करता हूं जो अपने कीमती समय निकाल के आए हैं यहाँ पे। और हमारे बीच गेस्ट ऑफ ऑनर श्री संजय बालन सर, संजय बालन सर जो है एक बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर
सभी को नमस्कार। आज यहाँ पे उपस्थित हमारे संजय भैया, जो कि मैं बहुत करीब से जानता हूँ और बहुत ही अपने समय पे जब प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे थे तो बहुत सारे हम लोग हेल्प लेते रहते थे और आज भी जो है सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। कभी भी उनकी जरूरत रहती है तो हमेशा उनके तरफ से यही रहता है कि कभी भी समाज के लिए आपको जरूरत है हमें जरूर याद कर सकते हैं। तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि इसी तरह जो है अपना कीमती समय हम लोग के लिए देते रहे। खासतौर से मैं अभय भाई को जरूर आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया और हमें जो है इस अवसर पे मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाने का उन्होंने जो आमंत्रण दिया उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और दो शब्द कहने के लिए भी हमें मौका दिया है। साथ साथ में इस मंच पर उपस्थित हमारे रामचंद्र गुप्ता जी और हमारे वर्तमान के दोनों प्रधान हैं, हमारे भाई जो बिना प्रोड के प्रधान है और विकट भाई मौलीगंज के प्रधान, साथ साथ में हमारे एक्स प्रधान मुस्लिम भाई को एक समय था कि मैं मीडिया में जब भी देखता था या जहाँ भी तो मुस्लिम भाई का नाम जो है हमेशा कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ग्रुप हो या किसी में चर्चा में रहता था और हमेशा अपने पंचायत में वैसा एक रिकॉर्ड रहता था कि हम लोग भी उससे प्रेरित होते थे कि अरे यार कैसे आदमी इतना काम करते हैं। तो खासतौर से यहाँ पे जो भी हमारे गणमान्य अतिथि आए हैं मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। साथ साथ में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि खेल जो है ये हमारे जीवन का एक मुख्य हिस्सा है और ये सिर्फ बच्चे तक नहीं हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने लेवल अपने स्तर का खेल खेलना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ है तभी समाज देश और परिवार तभी स्वस्थ हो सकता है। तो स्वयं को पहले स्वस्थ होना है तो हमें खेलना है, अपने लेवल का खेल को हमेशा खेलना है ताकि आप स्वस्थ रहेंगे। खासतौर से आज जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे बच्चों को मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आपके प्रतिभा यहाँ तक लेके आई है और खासतौर से इस प्रतिभा में आपके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब तक जो है परिवार साथ न दे तब तक आप इस खेल में आगे नहीं जा सकते हो, क्योंकि आज के खेल में पैसे की बहुत जरूरत है, पैसे भी चाहिए लेकिन खेल में आजकल जो है सिर्फ खेलने तक नहीं है, अच्छा खेलेंगे तो पैसा भी है। आप अच्छा खेलते हो राज्य स्तर पर खेलोगे तो लाखों करोड़ रुपये का इनाम है, सरकार जो है आज के रेट में आपको नौकरी भी दे रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खेल जो है आज के डेट में केवल स्वस्थ रहने तक सीमित नहीं है, खेल आज के डेट में आपको एक नौकरी का भी कहीं ना कहीं आवश्यकता जो है वो पूरी करती है कि आप अगर अच्छा खेलते हो तो सरकारी नौकरी तो उपलब्ध है, साथ साथ में प्रशासन या सरकार की तरफ से अनेकों तरह के आपके पुरस्कार इतने मिल जाते हैं कि आराम से जो है आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आज इस जो प्रतियोगिता है जो खेल का जो आज जो है बैडमिंटन जो हमारा लोड जो ग्रुप है जो आयोजन किया है उनका हृदय से फिर से आभार प्रकट करता हूँ किस तरह का उन्होंने आयोजन किया है। और मैं समझता हूँ कि मैं जिला परिषद अध्यक्ष के नाते कि हमारी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा तत्परता के साथ उनके साथ खड़ा हूँगा। बिल्डिंग के बारे में प्रभाव के बारे में बात नहीं है, उन्हें भी अपने लेवल में प्रशासन के समक्ष इस विषय को रखेगा, क्योंकि मैं खुद जो है
यहाँ पे पहुंचा लेकिन सारी पंचायत में हमारे जो जिस प्रधान सदस्य आता होगा रास्ता तो वाकई में बिल्डिंग आने के बाद बहुत अच्छा लगा रास्ता को उनको ठीक कराना है। प्रधान जी के पास में फंड है जो तो बहुत सुंदर बात है। मैं यही कहने वाला था हमारी जरूरत पड़ेगी तो मैं प्रधान जी बिल्कुल आपके साथ खड़ा रहूँगा और हम लोग अच्छा करें। एक ऐसे हमारे पास इतना बढ़िया सुंदर है कि इसको हम अच्छा कर सकते हैं और हमारा पूरा जो सहयोग रहेगा। तो इसमें मैं अंत में यही बोलूँगा कि जो भी पार्टिसिपेंट है खेल में उनको एडवांस में आपको शुभकामना है, आप जीत जाइए और अपने परिवार अपने गांव समाज का नाम रोशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको ये आप लोग सभी को एडमिशन से डेली पैकेज को जाना।
सही उत्तर सकती है। सामने जो आज बैठे हुए बच्चा में मेरा प्यार है, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलिए, ये नहीं है रेडिकल इधर आए हो तो रेडिकल समस्या नहीं है, लेकिन एक दिन में पास बोल दूंगा और एक मैं चैंपियन हुआ, उससे पहले वो भी आकर इसको हार कर ट्रॉफी हुआ था, नॉलेज रखता हूँ लेकिन खेलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई चीज़ खेलता हूँ जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। बच्चा लोग से मेरा ये गुजारिश है कि कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं, आज नहीं तो कल, जैसे टेंथ का कोई एग्ज़ाम देता है बाद में रेगुलर का अगर एग्जामिनर हो तो थक जाते हैं, उसको पास करा ही देते हैं, तो ऐसे थकना नहीं है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी हम मैच देखने हैं, मैच देखूँ सामने जितना बैठे दुबला कर नमस्कार न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित, इस वक्त हम खड़े हैं नयापुरम बैडमिंटन क्लब के यहाँ पर, और आज जो है यहाँ पर लौटे लिविंग ऑन द एज आयरलैंड बैडमिंटन 2023 चैम्पियनशिप, और इसके जो मुख्य अतिथि है इस वक्त यहाँ पर है जो हमारे साउथ अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष संजय सिंह जी और संजय बालन सर, और सबसे पहले हम अभी जी से बात करेंगे जो लिविंग ऑन द एज के प्रेसिडेंट है, और आज यहाँ पर जो प्रतियोगिता जो कराई जा रही है सर के बदौलत कराई जा रही है, और इसके बाद जितने भी अतिथि है एवं यहाँ के जो प्रधान हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम सर से बात करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार, ये फर्स्ट एडिशन ऑफ आयरलैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप जो लोटस द्वारा और लाइफलाइन हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन्नई द्वारा प्रायोजित है, इसमें हमारे काफ़ी स्पॉन्सर्स थे, सपोर्टर्स थे, जिनके वजह से आज हमें ये कार्यक्रम यहाँ पे करना कर पा रहे हैं। बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि काफ़ी समय हो गया था, एक कॉम्प्रिहेंसिव एक टूर्नामेंट बैडमिंटन टूर्नामेंट एक ऑर्गेनाइज़ करना था, जिसके वजह से आज हमने प्रोग्राम यहाँ पर रखा है जो कि 3 दिवसीय खेल उत्सव है, और जिसमें अंडर 19 अंडर 14 बॉयज़ एंड गर्ल्स ओपन कैटेगरी अबव 35 एंड अबव 45 का कैटेगरी के बीच में मैच होगा जी। और कुछ बताइए सर। हाँ, ये था कि ये टूर्नामेंट में हमने जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं इसके लिए, ये एक अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा इंडोर फैसिलिटी है जहाँ पे बच्चों को अच्छा और बड़ों को भी सभी के लिए एक बहुत क्लासिकल एक प्लेइंग एरिना मिला है, जिसकी वजह से वो अच्छा खेल पाएंगे, और हम चाहेंगे कि यहाँ से भी लोग निकलें और नेशनल लेवल पे खेलें, इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएं खेलने का। धन्यवाद सर। तो आइए इसी विषय में हम यहाँ पर जो गेस्ट आए हैं गेस्ट से हम बात करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो आइए गेस्ट संजय सिंह जी से भी हम बात करेंगे और इसके बारे में जानते हैं। देखिए, आज जो है ये बैडमिंटन का जो प्रतियोगिता हमारा लोट जो ग्रुप है इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, ये एक अच्छा शुरुआत है, और मैं समझता हूँ कि आज के डेट में खेल जो है ये हर व्यक्ति के लिए ज़रूरत का एक विषय है, क्योंकि आज जीवन का सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण हिस्सा खेल है, और कहीं ना कहीं आज इसको जागरूक करने की ज़रूरत है, और बच्चों को ये जो आज मौका मिला है अपने प्रतिभा को दिखाएंगे, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये हम सबके लिए खुशी की बात है कि बच्चे जो है निकल के आए हैं और एक अपना खेल को दिखाएंगे। उम्मीद करता हूं कि एक अच्छा निष्कर्ष निकल के जाएगा और ये बच्चे आगे भी बढ़ेंगे और पूरा समाज उसको सपोर्ट करेगा। मैं अपना जिला परिषद की तरफ से जो भी सहयोग होगा मैं उनको करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि एक बेहतर यहां से स्पोर्ट्समैन निकल के जाएगा और देश और विश्व स्तर पर जो है अपना नाम हमारा द्वीप का करेगा करके ऐसा उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर। तो आइए इसी विषय में हम संजय बालन सर से भी हम बात करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। लोटे जो है 2012 में इस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद से ये ग्रो ही कर रहा है, मैं इसका पैटर्न भी हूँ, अभय का कंट्रीब्यूशन है मेन, यही कर रहा है मेन, और अभी जो
बच्चों का साथ ये प्रोग्राम किए हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को स्पोर्ट्स में एंगेज रखना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एंगेज रखना बच्चों का मतलब हर साइड विकास करेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, यही सब है। पहले हम लोग का जमाने में तो फुटबॉल, हॉकी ये सब चलते रहता था, अब थोड़ा थोड़ा कम होने लगा लेकिन वापस शुरू हो रहा, तो देख के मुझे भी अच्छा लगा और लकी हूँ अभी सेन गुप्ता जी से मिला हूँ। ये हॉकी कोच हैं जो इंटरनेशनल मेडल्स ले रहे हैं, उनके कोच हैं, तो इनसे मिला, इनसे भी अच्छा लगा, तो वेरी गुड इनिशिएटिव बोल सकता हूँ। धन्यवाद सर। तो आइए इसी विषय में हम दो शब्द सेन गुप्ता सर से भी बात करेंगे, जो हमारे द्वीप समूह के साइकिलिंग कोच हैं और बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर वो आए हैं। अभय जी के ने यहाँ पर बुलाया था क्योंकि यहाँ पर जो है मैच है बच्चों का, तो आइए सर से भी हम बात करेंगे। जी नमस्कार, बोलिए क्या बोलना है, पूछिए आप। बताइए सर, बच्चे यहाँ पर उनका पहला आज मैच है, इवन आज जो है इनॉग्रेशन है जी। तो आज से जो मैच है और 2 तारीख को इसका फाइनल होगा, तो काफ़ी बच्चे यहाँ पर आए हैं खेलने के लिए, और इसके बारे में कुछ बताइए। मुझे बहुत खुशी मिल रही है बोलने के लिए। हम आज भी आया था एक इनॉग्रेशन फंक्शन में, जिस दिन ये इनॉग्रेट हुआ था हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब AK सिंह साहब ने आया था, उस दिन आया था, राज आया था। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है, जो मतलब स्टेडियम, ये जो बैडमिंटन कोर्ट है, हम कभी आता जाता नहीं है, हम लोग हमेशा TV में ही देखा है, हमको इतना आइडिया नहीं था। एक रैली अभी देख रहा था, बच्चा बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग, बहुत ही अच्छा ये पिकअप कर रहा था, चलो लास्ट रैली में वो हार गया, लेकिन ऐसे एक तो बच्चा अंडमान में नहीं है, यहाँ तो काफ़ी बच्चा है। तो इन लोग को जो हिडन टैलेंट जो है ना, इन लोग को चुन के अच्छा जगह पहुँचाना, ये PET का हमारा दूसरा जो स्पोर्ट्स लवर है, उसका पेरेंट्स है, जितना पीछे जो मतलब बिहाइंड द स्क्रीन अराउंड द क्लॉक जो जो आदमी स्पोर्ट्स को अपना मानते हैं, ये उन लोग का भी ड्यूटी होता है, जे ये सब बच्चा जो है टैलेंट जो है इसको सही जाएगा, सही दिशा दिखाया। ऐसे हम लोग देख के थोड़ा ताली मार दिया, ये तो टाइम पास हो जाता ना, उसको भी एक मौका देना है, जे हमको भी अच्छा जगह जाने का ये आदमी ने हमको मौका दिया था, बस वही हम। धन्यवाद सर। तो आइए इसी विषय में हम यहाँ के प्रधान सर से भी बात करेंगे, बशीर जी से, और दो शब्द इनसे भी सुनते। नमस्कार आपका चैनल का। और सर ये जो टूर्नामेंट यहाँ पे हो रहा है, आप देख रहे हैं कि 3 दिन यहाँ पे जो है खेल का मेला होगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे, काफ़ी सीनियर लोग जो पार्टिसिपेट किया है इसमें, और बहुत फर्स्ट टाइम जो है इतने बड़े बिग लेवल पे जो है टूर्नामेंट हम कराने जा रहा है। लोटे ऑफ आइलैंड चैम्पियनशिप द्वारा हमें ग्राम पंचायत कन्यापुरम भी हम लोग सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सर आज आप देख रहे हैं कि जो नशा है, नशों को लेकर काफ़ी परेशान है पूरे अंडमान में, पूरे भारत वर्ष में भी। तो हमारा यही चैलेंज है कि हमारा यही उम्मीद ये है कि यहाँ के बच्चों को नशे से मुक्त रखने के लिए जो है इस तरह का गेम, इस तरह का खेल हम लोग हमेशा ही खिलाने की कोशिश करते हैं। कुछ कुछ प्रॉब्लम है, असुविधा भी है, ग्राउंड वगैरह का इशू भी है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि वो भी जल्द से जल्द हो जाएंगे। और आप लोग का मैं आप लोग से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जो मतलब नशा है सर, उसके लिए आप लोग भी मुहिम चलाइए, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं सर। डे टू डे काफ़ी परेशानी, हम लोग टेंशन भी रहता है कि बच्चे जो गलत रास्ते पर जा रहा है, माँ बाप भी परेशान रहते हैं, समाज भी जो है इससे बहुत परेशान रहता है, क्योंकि अच्छे लोग हैं सर, इसलिए इस तरह का टूर्नामेंट भी यहाँ पर हम लोग कराने का, आप जानते हैं कि काफ़ी महंगा भी होता है कभी टूर्नामेंट कराना, बहुत ही पैसे भी खर्चा होता है, लेकिन बहुत सारे लोग मदद करते हैं अच्छे नए काम के लिए। और आज हमारे मुख्य अतिथि आए संजय सर भी, उन्होंने भी जो है हमें आश्वासन दिया कि जो भी तरह का मदद होगा तो ज़रूर करेंगे, और बालन सर तो हमें इससे सपोर्ट कर ही रहा है, और जो कोच आप देख रहा है, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है ऐसे जो कोच है खेल को जो है सपोर्ट देना चाहिए सर। और हमारे जो अंडमान है यहाँ के काफ़ी अच्छे एक्टिव बच्चे भी हैं और बहुत स्पोर्ट्स पर्सन भी है सर, उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके और एक बार आपके शुक्र अदा करता हूँ कि आप इतने दूर हमारे इस खेल को, बच्चों को सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट के लिए आप लोग आए, ताकि इस मैसेज आपका जो है चैनल द्वारा और भी बच्चे देखेंगे, और भी लोग देखेंगे, तो जो है
उन लोग भी जो है इसमें मोटिवेट होगा। और हमारे आप जानते हैं लोटे जो है इस तरह का टूर्नामेंट यहाँ पे करा रहा है बहुत बिग लेवल पे, तो उनका भी मैं अभय सर का भी जो है मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया खेल कराने के लिए। और मैं आपके चैनल के बारे में धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर आप सभी का जो आप लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया, और बच्चों का इतना अच्छा यहाँ पर खेल हो रहा है तो इसका हम आगे भी आपको दिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ आप तक। मैं रोहित कैमरामैन के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।